Hello guys, so we are going to find true wind from apparent wind. तो ये डायग्राम है जिससे हम लोग ट्रू विंड निकालने वाले हैं. पॉइंट ओ है जो ये अपना वेसल हेडिंग है, और ये अपना ये जो टी पॉइंट है ये अपना अपेरेंट विंड है, और पॉइंट ए है जो ये अपना वेसल स्पीड है. सो इस डायग्राम से हम लोग हम ट्रू विंड निकालेंगे फ्रॉम अपेरेंट विंड. तो जो जो चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए होंगी वो चाहिए होगा हमको अपेरेंट विंड डायरेक्शन और अपना वेसल हेडिंग. तो मैं आपको दिखाता हूँ वो हमको कहाँ से मिलेगा. सो दिस इज़ आवर एनीमोमीटर, और हमारा अभी अपेरेंट विंड डायरेक्शन है 249 और उसका फोर्स है 10.1. एंड नाउ आवर हेडिंग इज 355 एंड वेसल स्पीड इज 10 नॉट्स. So let's see how to find true wind. So our vessel is heading is 355. So make a course on heading 355. This is our point O, and our apparent wind is coming from 250. So let's make a course on 250. This is our apparent wind where we are facing. This is point T. Now our vessel speed is 10 knots. So 10 knots, 5. तो ये हम अपने वेसल हेडिंग पे मारते हैं. ये है अपने एक घंटे की स्पीड 10 नॉट्स. दिस इज पॉइंट ए. ओके, एंड नाउ आवर अपेरेंट विंड स्पीड इज 15 नॉट्स. ओके, सो लेट्स टेक 15, 5, 10 एंड 15. And join this to so this is our true wind direction, which is sea direction. So now our vessel true wind direction is .227, and our true wind speed is, let's find out the speed. It's about 18 knots.